कुछ वक्त पहले भारतीय नौसेना और अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग के बीच एक डील फाइनल हुई, जिसका मकसद था समंदर में इंडियन नेवी को सबसे विध्वंसक बनाना। और इसके लिए नौसेना ने अमेरिका के साथ एक ऐसे फाइटर का सौदा किया जिसका ब्लू वॉर जोन में जिसकी धाक है। वो एक ऐसा खूंखार फाइटर है जो किसी भी दुश्मन को तहस नहस कर सकता है। आखिर कैसे जंग की अग्नि परीक्षा पास करके हिंदुस्तान आएगा सबसे बड़ा शिकारी, आप खुद देखिए। अमेरिकन नेवी का सुपर फाइटर, यूएस वॉरशिप की बैकबोन माने जाने वाला F/A-18 सुपर हॉर्नेट जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। महाशक्ति अमेरिका का ये जल योद्धा हिंद महासागर में घुसपैठिए चीन की हर साजिश को बहुत जल्द नेस्तनाबूद करेगा। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना के साथ नई डील की थी, जिसके मुताबिक बोइंग अपने विध्वंसक लड़ाकू विमान F/A-18 सुपर हॉर्नेट को इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार करने वाला था। अब तक इस डील को लेकर जो खबरें सामने आईं, उसके मुताबिक अमेरिकी कंपनी बोइंग सुपर हॉर्नेट को भारतीय नौसेना के लिए तैयार करेगी। F/A-18 सुपर हॉर्नेट को इंडियन नेवी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करेगी। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए नौसेना ने डील पर मुहर लगाई। इसके लिए बोइंग ने F/A-18 सुपर हॉर्नेट का ऑपरेशनल टेस्ट शुरू कर दिया है। कुछ वक्त पहले भारत और अमेरिका के बीच 2+2 लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें अमेरिकी सरकार ने अपने नौसैनिक लड़ाकू विमान को सौंपने का फैसला लिया था। इस सौदे के मुताबिक 57 F/A-18 सुपर हॉर्नेट विमान इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले US नेवी के आसमानी योद्धा को कुछ टेस्ट पास करने थे, अग्नि परीक्षा से गुजरना था। उन्हीं में से एक था इसकी जंप टेस्ट, यानी किसी भी वक्त एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने के लिए तैयार रहना। इंडियन नेवी की तरफ से जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक सुपर हॉर्नेट ने इसकी जंप टेस्ट आसानी से पास कर ली। मतलब साफ है कि जल्द ही भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों पर समंदर का शिकारी तैनात होगा। आपको बता दें, F/A-18 सुपर हॉर्नेट कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। चौथी पीढ़ी का ये फाइटर प्लेन युद्ध पोतों के हिसाब से तैयार किया गया है। अमेरिका के पास कुल 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इन दोनों युद्धपोतों के साथ आसमान का खूंखार शिकारी ब्लू वॉर जोन में दुश्मनों के होश उड़ाता है। आखिर F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर प्लेन की पावर क्या है? F/A-18 सुपर हॉर्नेट 2 इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इस फाइटर प्लेन की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की मारक क्षमता 2346 किलोमीटर है। F/A-18 एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हमला करता है। F/A-18 सुपर हॉर्नेट किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। ये फाइटर जेट अतिरिक्त ईंधन ले जाने में भी सक्षम है। सुपर हॉर्नेट में 20 mm की M61 रोटरी तोप भी लगी है। एक F/A-18 सुपर हॉर्नेट की लागत करीब 500 करोड़ रुपए बैठती है। सुपर हॉर्नेट को पहली बार 1992 में अमेरिकी नौसेना ने स्पेशल ऑर्डर के तहत तैयार करवाया था। तब से लेकर अब तक ये अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। बस इन्हीं खूबियों और वॉर जोन में इसकी फाइटिंग स्किल को देखकर भारतीय नौसेना ने INS विक्रमादित्य और जल्द ही तैयार होने वाले INS विक्रांत के लिए F/A-18 सुपर हॉर्नेट को फाइनल किया है। मतलब साफ है, एयरफील्ड में राफेल और ब्लू बैटल फील्ड में F/A-18 सुपर हॉर्नेट चीन और पाकिस्तान की हर साजिश को अपने बारूदी कोहराम से तार तार कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।